हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग गांधी जयंती कब मनाते हैं मालूम है आप लोगों को? 2 अक्टूबर को ना। आपको पता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। बापू नाम से भी उन्हें याद किया जाता है। बापू मतलब पिताजी। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता हैं, मतलब फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए, बिना बंदूक तलवार उठाए भारत को आज़ादी दिलाई। तो आज हम गांधी जी के जीवन पर आधारित मैं गांधी बन जाऊँ यह पोयम सीखने जा रहे हैं। इस कविता में छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र का। वो अपना जीवन गांधी जी जैसा जीना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से वो सब चीज़ें मांगता है जो गांधी जी ने अपने जीवन काल में उपयोग में लाई। तो चलो देखते हैं पोयम। आप सभी को ध्यान से सुनना है और मेरे साथ गाना भी है। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण में ठानूंगा। मुझे रुई की पुनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। बच्चों अभी हम लोग दो दो पंक्तियों का मीनिंग देखते हैं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। आपको पता है महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए थे, यानी कि वकालत की पढ़ाई करके आए थे। वकालत मतलब लॉयर की पढ़ाई। और वो हमेशा सूट बूट टाई पहनते थे, लेकिन जब वो अपने देश वापस लौट आए तो देश की गरीबी उन्हें नज़र आई, तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सूट बूट का जो विदेशी पहनावा था वो सब छोड़ दिया और भारतीय पहनावा मरते दम तक अपनाया। वो क्या था मालूम है आप लोगों को? गांधी जी घुटने तक धोती, खादी का दुपट्टा कंधे पर हमेशा डालते थे। खादी यह वस्त्र मतलब कपड़ा, भारत में हाथ से बनने वाला वस्त्र है। ये सूत जो है, सूत मतलब धागा, थ्रेड, वो चरखे की सहायता से बनाया जाता है। चरखा मतलब स्पिनिंग व्हील, मतलब रेशम सूत आदि काटने का एक लकड़ी का एक यंत्र, स्पिनिंग व्हील। तो खादी का चादर मतलब खादी की शॉल, वो हमेशा शरीर पर ओढ़ते थे। तो ये बच्चा अपनी माँ से यही कह रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे, मतलब मैं भी गांधी की तरह अपने शरीर पर खादी की चादर ओढ़ सकूं। नेक्स्ट टू लाइन्स। सब मित्रों के बीच बैठ
फिर रघुपति राघव गाऊ। गांधी जी का फेवरेट भजन रघुपति राघव राजा राम ये था। तो यहाँ पर ये छोटा बच्चा जो है ना, वो अपने माँ से कह रहा है कि मैं भी अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर कर उनके बीच बैठकर रघुपति राघव भजन गाऊंगा। नेक्स्ट टू लाइन्स। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, अभी मैं निकर नहीं पहनूंगा। निकर मतलब शॉर्ट्स, शॉर्ट पैंट जो रहती है ना वो निकर। मुझे गांधी जी जैसी धोती पहननी है, खादी की चादर में ओढ़ूंगा। नेक्स्ट टू लाइन्स। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। गांधी जी के पास घड़ी थी, घड़ी मतलब वॉच, लेकिन वो घड़ी वो अपने कमर में लटकाते थे। कमर मतलब वेस्ट। गांधी जी वक्त के, समय के बड़े पाबंद थे। उनको आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज सवेरे जल्दी उठकर सैर करने के लिए जाते थे। सैर करना मतलब घूमना, मॉर्निंग वॉक। सैर करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। तो ये जो छोटा बच्चा है ना, वो बच्चा भी गांधी जी की तरह सैर करने के लिए जाने वाला था। नेक्स्ट टू लाइन्स। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। उन्होंने एक बकरी को पाला था और रोज सुबह गांधी जी उस बकरी का दूध पीते थे। गांधी जी खुद अपने जूते भी सीते थे। गांधी जी खुद के काम खुद करते थे। उन्होंने भारत में बनने वाली चीज़ों को अपनाया। वैसा वो बच्चा है ना छोटा, वो भी गांधी जी की तरह करने वाला है। अपने माँ से वो बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टू लाइन्स। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा। गांधी जी भी वैसे ही थे। गांधी जी अपने माता पिता के हर बात को बहुत मानते थे। इसलिए बच्चा अपनी माँ से कहता है, मैं भी आपकी हर बात मानूंगा, आपकी हर आज्ञा मानूंगा। जैसे गांधी जी ने देश की सेवा का प्रण लिया था, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ली थी, उनकी तरह सेवा का प्रण मैं भी ठानूंगा। ठानूंगा मतलब मैं भी देश की सेवा करूंगा गांधी जी की तरह। नेक्स्ट टू लाइन्स। मुझे रुई की पुनी दे दे, चरखा खूब चलाऊ। रुई मतलब कॉटन, पुनी मतलब गोला। रुई की पुनी मतलब रुई का गोला। चरखे के साइड पर रखकर उसको चलाया जाता है, रुई का गोला, और चलाकर उसे सूत काटा जाता है, थ्रेड काटा जाता है। सूत यानी क्या, धागा। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तू भी मुझे रुई की पुनी दे दे, मतलब कॉटन का गोला दे दे, मैं भी गांधी जी की तरह वो चरखा है, चरखा मतलब क्या बताया, स्पिनिंग व्हील, वो मैं खूब चलाऊँ गांधी जी की तरह। लास्ट टू लाइन्स। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। बच्चा फिर से अपनी माँ से क्या कह रहा है, मुझे खादी की चादर दे दे,
मैं गांधी बन जाऊँ। मैं गांधी बनना चाहता हूँ। तो समझ में आया ये पोयम? तो हमारी यह कविता इधर समाप्त हुई। बहुत अच्छी है ना ये कविता? ये कविता लर्न करनी है आपको, ठीक है? थैंक यू।